हेलो गाइस, तो आप सभी का स्काई व्यू के एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ बेस्ट बुक फॉर नेट। नेट की बायोलॉजी की बुक आज मैं बताने वाली हूँ आपको। ओके, तो आप जरा ये बुक ही फॉलो करने हैं, ऐसा लेकर नहीं चलना है। आपको कोई भी एक बुक पकड़नी है और उसके ए टू जेड एमसीक्यू टॉपिक सब कुछ सॉल्व करना है, सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि मैंने चार बुक दी है यहाँ पे तो वो चारों की चारों बुक आप पढ़ो। चारों की चारों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो ठीक लगे वही बुक पढ़नी है आपको। ओके, तो मैंने यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट बुक्स जो होती है वो मैंने लेकर यहाँ पे आपको नाम दिए हैं। अगर आपको यहाँ से कोई भी नाम में से ये बुक उठानी हो तो उठा सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ये बुक पढ़ो, आप कोई दूसरी बुक भी पढ़ सकते हो, आपके पास हो तो वही सॉल्व करो। ओके, तो पहली यहाँ पे मैंने बुक दी गई है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी तो बेस्ट बुक है ही, जैसे कि हमको पता है कि एनसीईआरटी हमारा बेसिक लेवल है बायोलॉजी के लिए। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है 11th एंड 12th क्लास की, वो आपको लाइन टू लाइन याद रहनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी 80% जो नीट में क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी से बायोलॉजी के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप एनसीईआरटी पहले फॉलो करो, फिर आप दूसरी बुक एमसीक्यू के लिए रीड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो पहले एनसीईआरटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और नीट की एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फॉर बायोलॉजी। ओके, देन ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स फॉर नीट AIIMS बायोलॉजी। तो ये जो फिंगरटिप्स वाली जो एनसीईआरटी की बुक है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये बहुत ही अच्छी बुक है मेरे हिसाब से। आपको कोई ऑब्जेक्टिव के लिए बुक चाहिए तो ये बुक फॉलो करो। ओके, फिर ट्रामेंस एलिमेंट्री बायोलॉजी फॉर नीट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो ये भी बहुत ही मस्त बुक है ट्रामेंस एलिमेंट्री बायोलॉजी। तो नेट वॉल्यूम 1 है वो 11th क्लास के लिए है और वॉल्यूम 2 है वो 12th क्लास के लिए है। ओके, तो इसके दो वॉल्यूम है, लंबी बुक है, लेंदी है, तो जो नेट 2021 2022 एस्पिरेंट है वो ये रीड कर सकते हैं। आपका एनसीईआरटी का पहले फोकस रहना चाहिए, नो डाउट, बट आपको ये बुक लेनी है तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। Then, Dinesh's Objective Biology for NEET and Other Exam. ये भी average book है, मेरे हिसाब से ये भी अच्छी book है, आप ये भी ले सकते हो। और ये जो तीनों की तीनों, ये टेक्स्ट बुक भी, ये चारों बुक है ना Amazon में अवेलेबल है। ओके, Amazon में अवेलेबल है, आप वहां से उठा सकते हो, तो वहां पे आपको ये चारों बुक मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक तो होगी आपके पास, बट आपको ये फिंगर टिप्स वाली, ट्रोमेंस वाली, दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वाली, आपको वो चाहिए तो ये अमेजोन पर अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके गाइस, तो आपको यही बुक फॉलो करनी है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे हिसाब से पहले आपको एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो पहले कवर होना चाहिए। वो आपको आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए ऑब्जेक्टिव सरल होने वाले हैं। ओके गाइस, तो पहले एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, देन आपको कोई भी एक बुक उठानी है और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करो नीट के। ओके, और यही बात है। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा अब टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी चालू किया है मैंने, तो आप वहां पे, आपको टेलीग्राम में भी आपको ये बुक, ये जो है ना पीडीएफ में वहां पे रख दूंगी, आप वहां से उठा सकते हो। तो आप टेलीग्राम के लिंक को भी फॉलो कीजिए, जैसे आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। ओके गाइस, तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम की लिंक वहां से ले सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो हमारे स्काई व्यू के एजुकेशन चैनल को। ओके गाइस,
अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगे प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. ओके गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.